नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आप लोग कैसे हैं? अभी जो नॉकआउट चल रहा है, आप देख रहे हैं काफ़ी लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, हमारे भी बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं। फिर भी मैं FMCG आइटम के अंदर में हूँ, बोल के मैं अभी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पा रहा हूँ। मेरा भी अभी माल डिलीवरी हो रहा है, बट लोकन के अंदर। जैसा आप लोग बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, मेरा यहाँ पे हावड़ा के अंदर में, लोकन के अंदर मेरा बिजनेस चलता है। मैंने रूट लेवल से, मेरे को उस पैसे से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, फिर भी मेरा खर्चा निकल जाता है उससे, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। तो क्या है कि मेरा भी एक जो घर का खर्चा है 60-70 हज़ार रुपये का जो मंथली है, वो मेरा निकल जाता है खर्चा, प्लस और भी खर्चे निकल जाते हैं उससे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मेरी नौकन के अंदर में चाय की दुकान में भी सप्लाई है, मेरी नौकन के अंदर में किराने की दुकान में भी सप्लाई है। मैं छोटा एक सेटअप करके मेरे एक स्टाफ को हैंडओवर कर चुका हूँ, मेरे को उस धंधे से कोई मतलब नहीं है। रेगुलर वे के अंदर में 22-23 में क्वालिटी मेंटेन करके उस धंधे को मैं चला रहा हूँ, जो कि एक स्टैंडर्ड है, मानी मेरे को उसमें ज़्यादा ध्यान देने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग भी वैसा ही धंधा स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें कि आपका 4-5 हज़ार किलो का मंथली सेल हो जाए और एक अच्छी अर्निंग आ जाए। 4-5 हज़ार किलो कम नहीं होता है। हाँ, यदि आप 50 हज़ार किलो का भी बिजनेस अपना सेट करना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं और उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब तक आप अपना परिचय सही तरीके से मुझे भेजेंगे नहीं, मेरे मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर में फिर से आपको बता रहा हूँ, 8100921233, इस नंबर पे आप एक कंप्लीट आपकी प्रोफाइल भेजिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में भी दिखा दूँ आपको क्या क्या भेजना है, प्लस मैं एक एक चीज़ करके आपको बता रहा हूँ अभी कि आपका परिचय आपको देना कैसे है। यदि उस वे में आप अपना परिचय देंगे तो मेरे को आपको समझने में और आपके बिजनेस को समझने में और आपको समझाने में काफ़ी मदद मिलेगी। यदि आपका परिचय मेरे पास नहीं होगा, आज मैं आपके परिचय के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा, कल मैं बात करूँगा आपके मार्केट के परिचय के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में एग्जैक्ट में बात करूँ। आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से मुझे भेजना है वो मैं आपको भेज भी दूँगा व्हाट्सएप के अंदर, या मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूँ आपको कैसे देना है। जैसे फर्स्ट अपॉन तो ये है कि आपका नाम क्या है ये मुझे बताना है, आपका मोबाइल क्या है आपको भेजना है मेरे को व्हाट्सएप के अंदर में, आपका ईमेल आईडी क्या है ये भी आपको भेजना है, आपका एड्रेस क्या है प्रॉपर वे में कि मैं आपसे कोरेस्पोंडेंस कर सकूं। देखिए, आप टाइम पास करने के लिए मेरा वीडियो न तो देखिए न सब्सक्राइब करिए। आपको एक अच्छा धंधा करना है, आगे जाके एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करनी है आपको अपने धंधे से, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, प्लस और भी जो वीडियो मेरे लास्ट में बने हुए हैं उनको देखिए। मैं एक बार फिर से एक श्रृंखला चालू कर रहा हूँ जो भी भाई नए सब्सक्राइबर आए हैं उनके लिए, कि एक प्रॉपर वे में वो अपना बिजनेस को डेवलप कर सके। एड्रेस आपको कंप्लीट देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट का आपका नाम लिखना है, आपको पिन कोड जरूर से देना है। पिन कोड देने से मेरे को फ़ायदा ये होगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट या सैंपल या कुछ भी भेजूंगा तो मेरे को बार बार फ़ोन करके आपके बारे में पता नहीं करना पड़ेगा आपके बारे में। देखिए, आधी जब आप मुझे फ़ोन करते हैं तो आधी टाइम तो मेरी आपका इंट्रोडक्शन देने में लग जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भी टाइम की कीमत है, मेरी भी टाइम की कीमत है, तो आप ये सारी जो बातें मैं इसमें बता रहा हूँ वीडियो में, आपकी बाकी न रहे, आपकी टाइम बर्बाद नहीं हो, आप मुझे आप व्हाट्सएप के अंदर में ये सारी की सारी डिटेल भेज दीजिए, जिससे क्या है कि बेटर वे में मैं आपको समझ सकूँ और आपके बिजनेस को डेवलप कर सकूँ। ये पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, बताया है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताया है जो कि मैं आज बता रहा हूँ आपको।
आपकी एज क्या है, एज से ये पता चलेगा कि आप मेहनत कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि आप दोनों कर सकते हैं, ये सारा का सारा। एजुकेशन आपकी क्या है, इससे ये पता चलेगा कि आपका लंबा, कितना लंबा बिजनेस टांग के लेके जा सकते हैं, आपका करेंट बिजनेस क्या है, आप पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, आप फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, आप किस टाइप का मॉडल आप मनी चूज करना चाहते हैं इस चाय के बिजनेस में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें मॉडल होते हैं बिजनेस के अंदर में, चाय के बिजनेस में, तो वो मैं आगे फिर से भी बताऊंगा आपको कि कितने तरीके के मॉडल होते हैं इसके अंदर बिजनेस में। अब अपने बात करते हैं, आपकी एजुकेशन की बात हो गई, अब ये बात होती है कि आपका जो पुराना धंधा था, पुरानी आपकी सर्विस थी, वो किस लिए। कई भाई साहब ये भी है कि रिटायर होने के बाद में नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे भी हैं। कई भाई ऐसा है कि पार्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हैं, वैसे भी हैं। कई भाई ऐसे भी हैं जो कि अपनी नौकरी को छोड़ के बिजनेस में आना चाह रहे हैं चाय के। कई भाई ऐसे हैं कि किसी बड़े धंधे को वो नहीं कर सकते, वो उनके छोटा एक इन्वेस्टमेंट दे के एक बार काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कई भाई ऐसे भी हैं कि उनका जो पुराना बिजनेस था वो पहले से ही डिस्टर्ब था, अब ये कोरोना ने आके उनका पूरा कोलैप्स कर दिया, ख़त्म कर दिया उस बिजनेस को, तो उस बिजनेस को बेटर वे में वो करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी आप डिटेल मुझे दीजिए प्लीज़। मुझे आपके पर्सनल डाटा से कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि आप कैसा बिजनेस, आपका बेटर वे में मैं क्या बिजनेस डेवलप करवा के दे सकूँ। उसके बाद में आप मेरे को ये भेजिए आपका, आप जहाँ रहते हैं वो क्या है, विलेज है, गांव है, छोटा टाउन है, छोटी सी सिटी है, बड़ी सिटी है आपकी, है ना, या फिर एकदम रूरल एरिया है, किस टाइप के है वो भी मुझे लिख के भेजिए। आपकी रेसिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बिजनेस की एरिया है, जैसे बेंगलोर है, पुणे है, है ना, इस टाइप की हैदराबाद है, तो आपके जो डेवलपमेंट है जैसे जयपुर है, आपकी जो मेन मेन सिटी होती हैं उस हिसाब से आपकी बिजनेस एरिया है क्या, आपकी एरिया में जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ रेलवे स्टेशन है क्या, बस स्टैंड क्या, इससे ये पता चलेगा कि आपकी गैदरिंग कितनी है, लोग का आना जाना कितना है उस एरिया से, तो मैं एक आपको फ्यूचर के अंदर में बेटर बिजनेस डेवलप करके दे पाऊँगा। आपके जो टारगेटेड कस्टमर है वो कौन है, किराने की दुकान ग्रोसरी शॉप वाले हैं, या चाय की दुकान वाले हैं, या दोनों हैं, या चाय की दुकान वाले, छोटी चाय की दुकान वाले भी हैं, आपके होटल वाले भी हैं, ग्रोसरी शॉप भी है, आप ग्रोसरी शॉप के अंदर आप लूज का भी काम करना चाहते हैं, ब्रांड का भी काम करना चाहते हैं, आप अपने ब्रांड का नया डेवलप करके अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, मेरे ब्रांड में काम करना चाहते हैं, या किसी दूसरे के ब्रांड में काम कर रहे हैं, उस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है वो सीखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बताइए आप, ठीक है। उसके बाद में आपको ये बताना है मेरे को कि आपने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है कि नहीं करवाई है। देखिए 20 लाख रुपया तक मेरे हिसाब से कोई भी तरीके की कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, 20 लाख रुपया के टर्नओवर तक। उसका रीज़न ये है, बिहाइंड रीज़न ये है कि देखिए आप कहीं ना कहीं कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं, वो एक गले में घंटी हो जाती है यदि आप उस बिज़नेस को आगे कैरी नहीं करते हैं तो, या फिर बार बार बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, या कहीं ना कहीं एक निगेटिव मार्किंग आती है। तो यदि आप पहले अपने धंधे को सेट करिए, जब आप 20 लाख का टर्नओवर कर लेंगे, धंधे को संभाल लेंगे, जचा लेंगे, ठीक कर लेंगे, उसके बाद में आप कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएं तो बेटर है। लेकिन आपको धंधे को समझना पड़ेगा सर, ये बात हो गई। आपको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा कि मेरे को जीएसटी नंबर लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन स्टार्टिंग में आप अपने धंधे को सेट करके लगाइए, अपने मार्केट को समझिए, आपका खुद का पूरा इंट्रोडक्शन मुझे दीजिए, जिससे कि मेरे को डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना रुपये से कम स्टार्ट कर सकते हैं, आपसे कितने रुपये का मिनिमम माल ले सकते हैं। सर मेरे से आप जितना भी माल ले सकते हैं, लेकिन थंब रूल में आपको बता देता हूँ, एक दुकान के अंदर में यदि आप माल देते हैं तो एक दुकान के पीछे आपका इन्वेस्टमेंट 1500 रुपया एवरेज समझिए। लेकिन
₹1500 आपको एक बार में स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, आपको ₹500 का एवरेज पकड़ के स्टार्टिंग में लगाना एक दुकान के पीछे का इन्वेस्टमेंट। आप कितनी दुकानों पे आप काम करना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना सोच लीजिए कि मेरे को इतनी दुकानों पे काम करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 35 किलो या 70 किलो या 100 किलो मंगवाते हैं, वो माल मनी दे के आ जाते हैं, माल अच्छा रहता है, जब दोबारा मांगते हैं तो फिर वो मेरे को ऑर्डर देते हैं, बोलते हैं तुरंत आज ही लगाइए। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न कि उनका मार्केट डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप स्टार्टिंग में छोटे से करिए बट कम दुकानों पर दीजिए। कम दुकानों पे देंगे तो उससे बेनिफिट ये रहेगा आपका कि उस धंधे को आप कंटिन्यू चला पाएंगे। यदि ज़्यादा दुकानों में एक साथ ही दे देंगे या तो आप माल उस हिसाब से मंगाइए। तो आपने इन्वेस्टमेंट का समझा कि आपका एक मिनिमम ₹500 पर दुकान के पीछे में इन्वेस्टमेंट लगेगा, जितनी दुकानों पे आप काम करोगे उतना लगेगा आपका। अब बात ये मैं रिटेल की बोल रहा हूँ कि आप जैसे मेरे से माल खरीदते हो और एक एक किलो करके देते हो, तो उस चीज़ के अंदर में मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट। यदि आप होलसेल का करोगे तो और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, जो कि एक बात है। आपको जो एरिया लेनी है, आपको काम करने के जिन लिए एरिया इतनी बड़ी लेनी है कि आराम से यदि कोई आपसे चाय की डिमांड भी करे तो विद इन 10 मिनट 15 मिनट में जाके आप दे के आ सको। आपके पास कन्वेंस होना चाहिए, अपनी मोटरसाइकिल होनी चाहिए या साइकिल होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप अपने आसपास के इलाके में करिए कि पैदल जाके भी आप यदि दो तो ज़्यादा टाइम नहीं लो, क्योंकि कई चाय वालों की आदत होती है कि वो जब एकदम चाय ख़त्म होने आती है तो वो चाय का ऑर्डर देते हैं, तो उसमें यदि नहीं पहुंचता है तो वो सारा का सारा दोष आपके सर के ऊपर ही मंड देते हैं। कई किराने वाले भी ऐसे ही हैं, तो वो बात है। तो ये सारी बातों के साथ में मैंने आपका परिचय जानने की चेष्टा की। आप यदि परिचय अपना सही ढंग से मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे, सर बहुत ही सुविधा आपको होगी और बहुत ही सुविधा मेरे को होगी प्रॉपर वे में बात करने में, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर में भी ये प्रोफाइल मैं भरवाता हूँ। मैं पार्टनर को, मेरे जो भी बिजनेस पार्टनर आप लोग बनेंगे उनको मैं समझना चाहता हूँ बेटर वे के अंदर में, कि उनको फ्यूचर में जाके कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आई। अभी जिन भाइयों को भी नया धंधा करना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए प्रॉपर वे के अंदर में, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली मेम्बर में बताइए और इसको लाइक करिए। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को भी हिट करिए, क्योंकि अभी जो भी वीडियो बन के आएंगे आपके बिजनेस को प्रॉपर वे में मजबूती देने के हिसाब से, डेवलपमेंट करवाने के हिसाब से आएंगे। मैं भी बहुत खटनी कर रहा हूँ अभी दिन पर दिन कैसे आपको बिजनेस को बढ़ाया जाए। अभी मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे भाई चाय के धंधे में आना चाहते हैं और मैं उनको निराश नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उनका अच्छे से अच्छा बिजनेस डेवलप हो, कम से कम 50,000 लाख की एक इनकम उनकी स्टार्ट हो। तो प्रॉपर वे में मैं मोटिवेशन का भी आपका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसके अंदर में आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहिए ये मुझे बताइए आप, तो मैं प्रॉपर वे में आपकी हेल्प कर सकूँ। कोई टॉपिक छूट जाए तो आप उसके बारे में भी बताएँ। तो इन सारी बातों के साथ में मैं आपको एक बार और फिर से प्रेम पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये वीडियो पूरा देखा और अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के अंदर में आपने सहायता की मेरी। थैंक यू वेरी मच।